हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखा था, है ना। और उसमें कुछ हम इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट देख रहे थे, है ना। उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट तो रिजल्ट बताया था, सेकंड जो बताया था, है ना, क्या बताया था कि यदि क्या हो ए एक्स प्लस बी के पावर एन डी एक्स, आई मीन क्या इसका मतलब क्या हो, इसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन साइन, है ना, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। आई मीन एक्स प्लस बी के पावर एन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, क्या है, सॉरी इंटीग्रेट करना है, क्या है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस बी के पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने बताया था कि पहले आपको क्या करना है, पावर फार्मूला यूज करना है, आई मीन क्या करना है, ए एक्स प्लस बी के पावर क्या होगा, एन प्लस वन अपॉन क्या लिख देना है, एन प्लस वन। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसके कोएफिशिएंट से हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए लिख देंगे, ठीक है। और प्लस हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट हमेशा हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इस पे बेस्ड एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे देखो क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3 के पावर क्या दिया हुआ है, 4dx। तो पहले आपसे कोई पूछे कि इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो देखो याद रखना है कि जैसे ही आप रिजल्ट यूज करोगे ये साइन हम हटा देंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3 के पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 5। अब x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इनटू हम क्या लिख देंगे, 2 प्लस क्या लिख देंगे, c। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3 के पावर कितना हो जाएगा, 5 अपॉन कितना हो जाएगा, 10 प्लस c, ठीक है। तो ये इसका इंटीग्रेशन है। दूसरा एग्जांपल और देख लो कि क्या दिया हुआ है, एक्स बाई टू प्लस थ्री के पावर 4 दिया हुआ है, है ना। अगेन इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम क्या करेंगे, पावर फार्मूला, यदि इस फॉर्म में हो तो सबसे पहला क्या है आपका, पावर फार्मूला यूज करना है। आई मीन पावर फार्मूला में हम क्या करेंगे, एक्स के पावर, सॉरी पावर को क्या करेंगे, 1 इंक्रीज करके लिखेंगे, और फिर जितना इंक्रीज करने के बाद पावर आएगा उसे हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 3 के पावर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, 1/2 है। तो क्या लिखेंगे, 1/2 प्लस क्या लिखेंगे, सी। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/5, है ना, एक्स बाई टू भी यहाँ होगा, एक्स बाई टू प्लस 3 के पावर कितना हो जाएगा, 5 प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हुआ, इंटीग्रेशन इसका रहा। उसके बाद अगला जो हम इंटीग्रेशन देखेंगे क्या है, कि क्या देखेंगे, हम इंटीग्रेशन देखना है कि अगला जो पॉइंट है, देखो ध्यान से, कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ln, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, ln एक्स प्लस सी। ln का मैंने बताया था कि ln का मतलब क्या हुआ है, कि बेस हमने क्या कंसीडर किया है, यहाँ e बेस कंसीडर किया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो कि log of x टू द बेस e प्लस सी। आई मीन जब क्या हो, किसी भी नंबर का, किसी भी log का बेस क्या हो, e हो जाए, तो उसको हम क्या लिखते हैं, ln लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन जो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, 1 अपॉन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, ln x प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ln x प्लस c, है ना। जैसे इसके बाद का जो क्या है प्रॉपर्टी दिया हुआ है वो देखो कि क्या है, कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स, है ना, क्या है, डी एक्स। यहाँ याद रखना है कि क्या होना चाहिए, यहाँ एन है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अगेन क्या करना है, देखो ये भी क्या है, इसी फॉर्म में है क्या, तो पहले हम देखो यहाँ पावर क्या है, लीनियर है,
तो लीनियर जब भी पावर हो तो हम क्या करेंगे, ln लिखेंगे। तो ln कितना लिखेंगे, ln है ना ax प्लस बी प्लस सी। उसके बाद क्या करेंगे, x के कोएफिशिएंट से हमेशा क्या करना है आपको, क्या करना है कि कोएफिशिएंट से, कोएफिशिएंट ऑफ x से क्या करना है, हमेशा आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए आप, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन क्या है 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। तो यहाँ क्या लिखेंगे, देखो तो यहाँ ये जो पॉलिनोमियल दिया है, आई मीन जो एक्सप्रेशन दिया है उसका पावर क्या है, डिनोम क्या है, 1 है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले ln है ना, क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 प्लस c डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, x का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ, उसी तरह दिया हुआ है ना, कि क्या दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 बाई 3। तो क्या लिखेंगे, ln है ना 4x प्लस 1 बाई 3 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, 4 प्लस क्या होगा c, आई मीन जो भी क्या होगा x का कोएफिशिएंट होगा, हमेशा उससे क्या करना है आपको, डिवाइड कर देना है। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे। और मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स ऑफ क्या होता है, डिफरेंशिएशन। दैट्स व्हाई समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। आई मीन एंटी का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन का क्या होगा, अपोजिट होगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक और न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं इस पे। तो जैसे दिया हुआ है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगला जो एग्जांपल दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ x बाई 2 प्लस 3। अगेन देखो इसका पावर क्या है, 1 दिया हुआ है। यदि 2 होता तो हम फिर पावर फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, क्या करेंगे हम, 2 होता तो हम क्या यूज करेंगे, पावर फॉर्मूला। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, देखो तो ln है ना, ln x बाई 2 प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा c, डिवाइडेड बाई x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 बाई 2 है। तो क्या लिखेंगे, 2 ln x बाई 2 प्लस 3 प्लस क्या हो जाएगा 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ln क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 x प्लस 6 बाई 2 प्लस सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 देखो तो a log ऑफ a अपॉन b के फॉर्म में है, तो हम लिख सकते हैं log ऑफ क्या लिख सकते हैं, x प्लस 6 माइनस क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 है ना प्लस सी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 ln x प्लस 6 माइनस 2 ln 2 प्लस क्या होगा 6। तो 2 ln x प्लस 6 प्लस सी वन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ये भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा। तो लॉग क्या होगा, 1 अपॉन x का क्या होगा, बाद में हम क्या करेंगे, सब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक पेज एक ही जगह हम क्या करेंगे, लिख देंगे, देखो इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये होगा, तो आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसे देखो अगला पॉइंट क्या दिया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू एक्स ही होता है, क्या होता है, ई रेस टू एक्स ही होगा। उसी तरह ये भी याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, पहले ई रेस टू समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेस टू समथिंग ही होगा, पहले तो हम ये लिखेंगे। तो ई रेस टू क्या होगा, ए एक्स प्लस सी। अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या आया, ए है, तो हम क्या करेंगे, ए से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। एक टाइप ए हो गया, जितने भी टाइप हैं सब लिख देता हूँ। इसमें तीसरा जो टाइप होगा वो क्या होगा, ई रेस टू ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब अगेन क्या लिखेंगे, ई रेस टू ए एक्स प्लस क्या होगा, बी अपॉन क्या लिखेंगे, ए प्लस क्या हो जाएगा, सी। ये तीनों क्या है, फॉर्म दिया हुआ है, तो आपको तीनों फॉर्म क्या है, माइंड में रखना है।
रट जाना है इसको, क्या करना है आपको, क्या करना है, याद कर जाना है इसको। जैसे एक एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ एग्जांपल आप देखेंगे दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, ई रेज टू टू एक्स डी एक्स। ई रेज टू टू एक्स का क्या होगा, पहले लिखेंगे ई रेज टू टू एक्स, अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, टू है, तो टू से हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे, प्लस सी लिख देंगे। उसी तरह दिया हुआ हो कि ई रेज टू फाइव माइनस फाइव एक्स डी एक्स, तो पहले क्या लिखेंगे, ई रेज टू माइनस फाइव एक्स अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस फाइव है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ माइनस फाइव प्लस क्या लिखेंगे, सी, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ, ई रेज टू फाइव एक्स प्लस सिक्स डी एक्स। ई रेज टू एक्स का क्या होगा, ई रेज टू फाइव एक्स प्लस सिक्स प्लस क्या हो जाएगा, अपॉन एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, फाइव है, तो हम फाइव से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप, ई रेज टू माइनस एक्स बाई टू प्लस थ्री डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन अगेन क्या होगा, ई रेज टू माइनस एक्स बाई टू प्लस थ्री अपॉन क्या होगा, माइनस वन बाई टू प्लस क्या हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू ई रेज टू माइनस एक्स बाई टू प्लस थ्री प्लस सी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, यदि देखो क्या है, आपको क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है, तो ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन टफ है, आपको केवल क्या करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए, या कुछ सिंप्लीफिकेशन करके आपको क्या करना चाहिए, जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है या जो रिलेशन दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। बहुत जगह आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बहुत जगह आप देखेंगे क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी दूंगा तो आपको मालूम चले कि अरे स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, लेकिन आपका काम क्या है कि उस फॉर्म में उसको लाना। यदि उस फॉर्म में आप नहीं ला रहे हैं तो फिर क्या होगा, आंसर क्या होगा, रॉन्ग है। जैसे आप एक होमवर्क लिख लीजिए, इसको ट्राई कीजिएगा, देखिए क्या है, ये होमवर्क लिख लीजिए, है ना, क्या दिया हुआ है होमवर्क में, क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स क्या है, एक्स इंटू क्या है, एक्स प्लस वन, है ना, क्या है। अब इसको देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, आप थोड़ा दिमाग यूज करेंगे, आपको क्या करना है इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, कि हम जानते हैं कि वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स होता है, तो वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स। तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई करो, आप कोशिश करो इसको किस फॉर्म में लाने के लिए, ए प्लस बी के फॉर्म में लाने के लिए, एक्स प्लस बी इस फॉर्म में लाने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए। और फिर आप क्या करो, इन अलग अलग क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, क्या करोगे, ए डी एक्स प्लस क्या होगा, बी डी एक्स, तो आसानी से क्या होगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ ए और बी को इसको इस फॉर्म में लाओ, आप सोचना, थोड़ा सा आएगा इसको बाद में, आप इसको ट्राई करें, नहीं तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको कि इसको हम कैसे सोचते हैं, ठीक है, क्या होगा, हम इसको कैसे सोचते हैं, ये आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी दिया हुआ हो, दूसरा एग्जांपल भी लिख लो आप, है ना, क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ भी देखना ध्यान से, इसमें भी ऐसे नहीं है कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है आपका, आपको उसके फॉर्म में लाना है और फिर क्या करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो आप ट्राई करना सॉल्व करके, मुझे व्हाट्सअप करना, नहीं आएगा तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके सेंड करूंगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, तो कभी कभी क्या है, इंटीग्रेशन में चीज़ें क्या है, डायरेक्ट नहीं दिया रहता है। ऐसे भी हम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की, आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आईआईटी में ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट, हाँ जेई मेंस के लिए तो डायरेक्ट चीज़ें आपको मिलेगा, लेकिन जब आप जेई एडवांस देते हो तो वहाँ डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होता है, वहाँ थोड़ा सा आपको सोचना होता है, वहाँ माइंड यूज करना होता है, और आप जितना ही क्वेश्चन को सोचोगे उतना ही क्या होगा, आपका जो माइंड है वो क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि ये इतना क्या होगा, इसका यूज हम जितना ही करेंगे उतना ही क्या होगा, ये शार्प होगा। यदि आप इसका यूज करना छोड़ दोगे तो ऐसे नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, सभी लोग इंटेलिजेंट होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड का कितना परसेंट पार्ट यूज कर, कितना परसेंट यूज कर रहे हैं। यदि जितना ज़्यादा इसको क्या करोगे, प्रेशराइज करोगे, इस पर ज़्यादा सोचोगे उतना ही क्या होगा, ये फास्ट चलने लगेगा।
और आप सोचना छोड़ दोगे, आप रटना शुरू कर दोगे तो ये क्या होगा, ये काम करना बंद कर देगा। आज रटोगे और कल क्या हो जाएगा, भूल जाओगे। तो कोशिश करो सोचना, क्वेश्चन एक बार दिया हुआ है, प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करते हैं कि जब भी आपके सामने प्रॉब्लम है तो पहला आपका काम क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करना। जब देखना आप अच्छे से रीड करते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या है, माइंड में आ जाती है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे ही अपने को प्रॉब्लम मिलता है, हम सोचते हैं कि अरे मुझे फास्ट आंसर लाना है। फास्ट आंसर लाना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि फास्ट आंसर लाने के वजह हम क्या करें कि आंसर ही गलत ला दें, है ना, तो कोई फ़ायदा ना हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं तो मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, तो लिखना क्या है कुछ और कैलकुलेट हम कुछ और कर देते हैं, जो क्या है ऑप्शन में भी दिया रहेगा, पूरा ऑप्शन होगा उसमें वो भी रहेगा। क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो जो क्वेश्चन सेट करता है उसको ये मालूम है कि बच्चे कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, और वही वो ऑप्शन उसमें आपको मिलेगा। तो आपको ये सोचना है कि जब भी क्या है कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने हो तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्या चीज़ हमने पढ़ा है उसको कोशिश करेंगे यूज करना, और जब आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, चीज़ें आपको समझ में आएगी और प्रॉब्लम भी आपसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अगला हम क्या देखेंगे इसमें, अगला जो टाइप है वो हम इसमें क्या देखेंगे, हमने क्या देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्या है लॉगरिथमिक दिया हुआ है, यदि आई मीन 1/x है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, या 1/x + b के फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रिलेशन है उसका इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो पहला क्या है, पहला क्या है साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स प्लस क्या होगा सी, ठीक है, क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट होगा, इसमें अगला टाइप क्या है देखो ध्यान से, साइन ऑफ क्या होगा ए एक्स डी एक्स, तो ये अगेन क्या होगा, साइन का क्या होगा माइनस कॉस, तो क्या लिखेंगे माइनस कॉस ए एक्स प्लस सी, क्या करना है मुझे x के कोएफिशिएंट से हमेशा क्या करना है डिवाइड करना है, तो ए से हमने क्या किया डिवाइड कर दिया। थर्ड जो इसमें पार्ट है वो थर्ड जो टाइप है वो क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस क्या होगा बी, ठीक है, साइन ऑफ एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, x के, dx का मतलब क्या हुआ यहाँ, x, x के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है इंटीग्रेशन क्या करना है कैलकुलेट करना है, तो साइन का क्या लिखेंगे अगेन माइनस कॉस ऑफ ax प्लस बी प्लस क्या होगा c डिवाइडेड बाई क्या होगा अगेन। दूसरा इसमें एक अगला टाइप क्या होगा कि ये भी होगा देखो ध्यान से कि साइन है ना स्क्वायर क्या है ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा बी डी एक्स। अब देखो क्या दिया हुआ है, साइन का पावर यदि 1 हो तो हम आसानी से ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ऐसा आप मत सोचना कि साइन का पावर 2 है तो यहाँ पावर वाला फॉर्मूला यूज कर देना, नहीं, फिर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे देखो यहाँ क्या है, साइन का पावर क्या दिया हुआ है लीनियर दिया, चलो इसको इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, पहले कॉस का कैलकुलेट कर लें क्योंकि कॉस की जरूरत होगी। अब इस पर हम क्या करेंगे कुछ एग्जाम्पल देख देंगे, तो ये क्या है इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है माइंड में रखना है ना साइन के लिए। तो अब देखो एग्जाम्पल इस पर हम देखेंगे, एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि साइन ऑफ क्या है एक्स बाई टू प्लस वन डी एक्स। अब अगेन क्या करेंगे, पहले साइन का फॉर्मूला क्या होगा माइनस कॉस क्या होगा माइनस कॉस एक्स बाई टू प्लस क्या होगा वन प्लस सी। अब x का कोएफिशिएंट क्या है 1/2 है, तो 1/2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखो क्या दिया हुआ है कि साइन ऑफ x प्लस वन डी एक्स, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा साइन का क्या होगा माइनस कॉस x प्लस वन प्लस क्या होगा c। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है 1 है तो हम क्या करेंगे 1 को नहीं लिखेंगे। याद रखना हम यदि लिमिट नहीं दिया हो, आई मीन लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिया रहता है, तभी हम क्या करते हैं c ऐड करते हैं।
ठीक है। सी आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल यदि यहाँ कुछ लिमिट नहीं दिया हुआ हो, नीचे कुछ वैल्यू नहीं दिया हो, तो सी हम अपने से ऐड कर देते हैं। केवल आपको क्या याद रखना है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस होगा। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस होगा। क्या होगा, साइन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई क्या होगा, ए होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये चीज माइंड में रखना है। सी रटने की जरूरत नहीं है, सी तो आपको अपने से ऐड करेंगे, बाद में हम देखेंगे कि नहीं कुछ जगह हम सी ऐड भी नहीं कर रहे। अब क्या होगा, साइन ऑफ 2x dx, तो अगेन साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या देखेंगे, कॉस, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा कॉस का इंटीग्रेशन, देखो कॉस एक्स डी एक्स। अब कॉस का क्या होगा, साइन होगा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी। इसमें अगला जो पॉइंट देखोगे क्या होगा, यही हो सकता है कॉस ऑफ ए एक्स डी एक्स, तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ए एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, ए प्लस क्या लिखेंगे, सी। तीसरा जो टाइप होगा इसमें क्या होगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन क्या होगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो कॉस का भी जिस तरह हमने साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, कॉस का क्या होगा, साइन। कॉस में हम साइन, हम कॉस में माइनस यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, आई मीन कॉस क्या होगा, एक्स प्लस वन डी एक्स, तो कॉस का क्या होगा, साइन। तो हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस वन प्लस क्या होगा, सी। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखो क्या होगा, कॉस ऑफ 2x प्लस क्या होगा, 3 डी एक्स, तो कॉस का क्या होगा, अगेन साइन 2x प्लस 3 प्लस सी बाई क्या, उतना कितना हो जाएगा, 2। हमेशा x के कोएफिशिएंट से क्या करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है। x के कोएफिशिएंट से हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है अपने को, डिवाइड करना है। x के कोएफिशिएंट से हमेशा क्या करना है अपने को, डिवाइड करना। जब भी आप x डिवाइड करना भूल जाओगे x के कोएफिशिएंट से, तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, स्टैंडर्ड रिजल्ट डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, अब देखो साइन और कॉस का, अब आपसे पूछा जाएगा साइन स्क्वायर का रिजल्ट क्या होगा, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा। ठीक है, अब हम इस रिजल्ट को यूज करके, है ना, जिसे एग्जांपल के लिए दिया है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ फॉलोइंग। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, फॉलोइंग, है ना। तो दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। दूसरा क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए एक्स क्या दिया हुआ है, प्लस बी डी एक्स। ठीक है, उसी तरह क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर क्या दिया हुआ है यहाँ, कॉस स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस क्या दिया हुआ है, बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, फिजिक्स में मोस्टली जगह क्या है, इसका यूज होता है ना। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन। अब देखो, मैंने जो बताया था कि साइन और कॉस का जो इंटीग्रेशन, ये क्या है, यहाँ क्या ध्यान देना है कि पावर क्या होगा, वन होगा। आई मीन लीनियर पावर क्या होना चाहिए, लीनियर पावर होना, आई मीन पावर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। तभी हम क्या कर सकते हैं, कॉस का साइन लिख सकते हैं, साइन का क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस लिख सकते हैं। यदि पावर क्या होगा, लीनियर नहीं होगा, तो हम उस रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि बाई यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन, हम क्या करेंगे, इसको लीनियर पावर में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं लिख देता हूँ, देखो मैंने पढ़ाया भी था कि कैसे। देखो, तो जैसे मैंने बताया था कि कॉस क्या होगा, कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस के आई मीन एक्स लिख देता हूँ यहाँ, कॉस टू एक्स इक्वल टू क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ ध्यान से साइन, या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा वन। बस यही आपको क्या करना है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन क्या होगा टू, ठीक है। उसी तरह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं वन प्लस कॉस टू एक्स बाई क्या लिख सकते हैं टू। ये आपको क्या करना है माइंड में रखना है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। यदि आपको ये रिजल्ट आता है तो फिर ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, देखो क्या बताया था, आई इसको कंसीडर कर रहा हूँ, आई इक्वल टू मैंने क्या साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो वन माइनस कॉस टू एक्स बाई क्या लिख सकते हैं टू, तो हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस टू एक्स बाई क्या होगा टू, क्या लिखेंगे डी एक्स, है ना। इसको वन बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दो, तो क्या लिखोगे डी एक्स माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं एक्स रेस टू जीरो लिख सकते हो ना, एक्स रेस टू जीरो का वैल्यू क्या होता है वन, और पावर फॉर्मूला यूज करते हो वन बाई टू, यहाँ क्या लिखेंगे एक्स रेस टू जीरो, तो एक्स रेस टू जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाई क्या होगा वन माइनस कॉस टू एक्स का भी क्या बताया था साइन टू एक्स डिवाइडेड बाई क्या होगा टू प्लस क्या हो जाएगा सी। तो क्या लिखेंगे यहाँ x बाई टू माइनस साइन क्या होगा 2x बाई क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या हो गया सी। यही किसका इंटीग्रेशन आई मीन i का वैल्यू हो गया, ठीक है। उसी तरह आप क्या करना साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी का खुद से सॉल्व कर लेना, कॉस स्क्वायर एक्स का मैं आपको बता देता हूँ। उसी तरह क्या लिखेंगे देखो अगेन, अगला जो है क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी हमने आई वन मान लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ लिखा हूँ वन प्लस कॉस टू एक्स बाई क्या लिखेंगे टू, क्या लिखेंगे टू, तो वन प्लस कॉस टू एक्स बाई टू डी एक्स, ठीक है ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख देता हूँ और आप लोग क्या करना घर पे इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा वन बाई टू डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा वन बाई टू कॉस टू एक्स डी एक्स। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स बाई टू प्लस वन बाई फोर साइन कितना हुआ टू एक्स प्लस क्या हुआ सी हो गया, ठीक है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है क्या करना उसको आप घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है ओके थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन देखा था, है ना, और उसमें कुछ हम इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड रिजल्ट देख रहे थे, है ना। उसमें मैंने बताया था कि फर्स्ट तो रिजल्ट बताया था, सेकंड जो बताया था है ना क्या बताया था कि यदि क्या हो ए एक्स प्लस बी के पावर एन डी एक्स, आई मीन क्या इसका मतलब क्या हो, इसको हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन साइन, है ना, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। आई मीन ए एक्स प्लस बी के पावर एन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में, है ना, क्या है सॉरी इंटीग्रेट करना है, क्या है इसको हम क्या पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी के पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो मैंने बताया था कि पहले आपको क्या करना है पावर फॉर्मूला यूज करना है, आई मीन क्या करना है ए एक्स प्लस बी के पावर क्या होगा एन प्लस वन अपॉन क्या लिख देना है एन प्लस वन। और इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हम, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं उसके कोएफिशिएंट से हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे ये लिख देंगे, ठीक है। और प्लस हम क्या करेंगे कॉन्स्टेंट हमेशा हम क्या करेंगे ऐड करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने इस पे बेस्ड एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे देखो क्या दिया हुआ है 2x प्लस 3 के पावर क्या दिया हुआ है 4
डी एक्स। तो पहले आपसे कोई पूछे कि इसका इंटीग्रेशन बताओ, तो देखो याद रखना है कि जैसे ही आप रिजल्ट यूज करोगे ये साइन हम हटा देंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3 के पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई कितना होगा 5। अब x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो इनटू हम क्या लिख देंगे 2 प्लस क्या लिख देंगे c। तो ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 3 के पावर कितना हो जाएगा 5 अपॉन कितना हो जाएगा 10 प्लस c। ठीक है, तो ये इसका इंटीग्रेशन है। दूसरा एग्जांपल और देख लो कि क्या दिया हुआ है, x by 2 plus 3 के पावर 4 दिया हुआ है ना। अगेन इसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो पहले हम क्या करेंगे, पावर फार्मूला। यदि इस फॉर्म में हो तो सबसे पहला क्या क्या है आपका, पावर फार्मूला यूज करना है। आई मीन पावर फार्मूला में हम क्या करेंगे, x के पावर सॉरी पावर को क्या करेंगे 1 इंक्रीज करके लिखेंगे, और फिर जितना इंक्रीज करने के बाद पावर आएगा उससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3 के पावर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 5 डिवाइडेड बाई 5 इंटू x का कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1/2 है। तो क्या लिखेंगे 1/2 प्लस क्या लिखेंगे c। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2/5 है ना, x/2 भी यहाँ होगा, x/2 प्लस 3 के पावर कितना हो जाएगा 5 प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ इंटीग्रेशन इसका रहा। उसके बाद अगला जो हम इंटीग्रेशन देखेंगे क्या है कि क्या देखेंगे, हम इंटीग्रेशन देखना है कि अगला जो पॉइंट है देखो ध्यान से कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ln सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको हम क्या पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x। इसका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा ln x प्लस c। ln का मैंने बताया था कि ln का मतलब क्या हुआ है कि बेस हमने क्या कंसीडर किया है, यहाँ e बेस कंसीडर किया है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो कि log of x to the base e प्लस c। आई मीन जब क्या हो किसी भी नंबर का किसी भी लॉग का बेस क्या हो e हो जाए तो उसको हम क्या लिखते हैं ln लिखते हैं। तो इंटीग्रेशन जो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा ln x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। क्या हो जाएगा ln x प्लस c है ना। जैसे इसके बाद का जो क्या है प्रॉपर्टी दिया हुआ है वो देखो कि क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स है ना, क्या है डी एक्स। यहाँ याद रखना है कि क्या होना चाहिए यहाँ एन है ना, तो ये क्या हो जाएगा अगेन क्या करना है देखो ये भी क्या है इसी फॉर्म में है क्या। तो पहले हम देखो यहाँ पावर क्या है लीनियर है, तो लीनियर जब भी पावर हो तो हम क्या करेंगे ln लिखेंगे। तो ln कितना लिखेंगे ln है ना ए एक्स प्लस बी प्लस सी। उसके बाद क्या करेंगे x के कोएफिशिएंट से हमेशा क्या करना है आपको क्या करना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x से क्या करना है हमेशा आपको क्या करना है डिवाइड करना है। तो क्या लिख देंगे ये लिख देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए आप क्या है इंटीग्रेशन ऑफ 1/ क्या है 2x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू क्या x। तो यहाँ क्या लिखेंगे देखो, तो यहाँ ये जो पॉलिनोमियल दिया है जो एक्सप्रेशन दिया है उसका पावर क्या है डिनोम क्या है 1 है। तो हम क्या लिखेंगे पहले ln है ना, क्या लिखेंगे 2x प्लस 3 प्लस c डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे x का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। उसी तरह दिया हुआ है ना कि क्या दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1/3। तो क्या लिखेंगे ln है ना 4x प्लस 1/3 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे 4 प्लस क्या होगा c।
जो भी क्या होगा x का कोएफिशिएंट होगा हमेशा उससे क्या करना है आपको डिवाइड कर देना है। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे मल्टीप्लाई करते थे, और मैंने बताया था कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट द रिवर्स ऑफ क्या होता है डिफरेंशिएशन, दैट्स व्हाई समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। एंटी का मतलब क्या हुआ डिफरेंशिएशन का क्या होगा अपोजिट होगा, इसको हम क्या बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक और न्यूमेरिकल सम देख लेते हैं इसमें। तो जैसे दिया हुआ है ना कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगला जो एग्जांपल दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई टू प्लस थ्री, अगेन देखो इसका पावर क्या है वन दिया हुआ है, यदि टू होता तो हम फिर पावर फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, क्या करेंगे हम टू होता तो हम क्या यूज करेंगे पावर फॉर्मूला। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे देखो, तो ln है ना ln x by 2 plus 3 plus क्या हो जाएगा c divided by x का कोएफिशिएंट क्या है 1 by 2 है, तो क्या लिखेंगे 2 ln x by 2 plus 3 plus क्या हो जाएगा c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ln क्या लिख सकते हैं x plus 3 x plus 6 by 2 प्लस सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू, देखो तो ए लॉग ऑफ ए अपॉन बी के फॉर्म में है तो हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस सिक्स माइनस क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ टू है ना प्लस सी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं टू एल एन एक्स प्लस सिक्स माइनस टू एल एन टू प्लस क्या होगा सिक्स, तो टू एल एन एक्स प्लस सिक्स प्लस सी वन भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, ये भी क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है कॉन्स्टेंट होगा। तो लॉग क्या होगा वन अपॉन एक्स का क्या होगा, बाद में हम क्या करेंगे सब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का एक पेज एक ही जगह हम क्या करेंगे लिख देंगे, देखो इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ये होगा, तो आपको याद करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होगा उसका इंटीग्रेशन क्या होगा। जैसे देखो अगला पॉइंट क्या दिया, देखो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स डी एक्स, ई रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेस टू एक्स ही होता है, क्या होता है ई रेस टू एक्स ही होगा। उसी तरह भी याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स डी एक्स, तो हम क्या करेंगे पहले ई रेस टू समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होगा ई रेस टू समथिंग ही होगा, पहले तो हम ये लिखेंगे तो ई रेस टू क्या होगा ए एक्स प्लस सी। अब एक्स का कोएफिशिएंट क्या आया ए है, तो हम क्या करेंगे ए से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, एक टाइप ए हो गया, जितने भी टाइप हैं सब लिख देता हूँ। इसमें तीसरा जो टाइप होगा वो क्या होगा e raise to ax plus b dx, अब अगेन क्या लिखेंगे e raise to ax plus क्या होगा b अपॉन क्या लिखेंगे a plus क्या हो जाएगा c, ये तीनों क्या है फॉर्म दिया हुआ है, तो आपको तीनों फॉर्म क्या है माइंड में रखना है, रट जाना है इसको, क्या करना है आपको क्या करना है याद कर जाना है इसको। जैसे एक एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ एग्जांपल आप देखेंगे दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा e रेस टू टू एक्स डी एक्स, ई रेस टू टू एक्स का क्या होगा पहले लिखेंगे e रेस टू टू एक्स, अब x का कोएफिशिएंट क्या है टू है, तो टू से हम क्या करेंगे यहाँ डिवाइड कर देंगे प्लस सी लिख देंगे। उसी तरह दिया हुआ हो कि e रेस टू फाइव माइनस फाइव एक्स डी एक्स, तो पहले क्या लिखेंगे e रेस टू माइनस फाइव एक्स अपॉन x का कोएफिशिएंट क्या है माइनस फाइव है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ माइनस फाइव प्लस क्या लिखेंगे c, ठीक है। उसके बाद अगला एग्जांपल देखो क्या दिया हुआ e रेस टू फाइव एक्स प्लस सिक्स dx, e raise to x का क्या होगा e raise to 5x plus 6 plus क्या हो जाएगा upon x का coefficient क्या है 5 है, तो हम 5 से क्या करेंगे divide कर देंगे। अगला question देखो आप e raise to minus x by 2 plus 3 dx, तो इसका integration again क्या होगा e raise to
माइनस एक्स बाई टू प्लस थ्री अपॉन क्या होगा माइनस वन बाई टू प्लस क्या हो जाएगा ए कितना हो जाएगा माइनस टू ई रेस टू माइनस एक्स बाई टू प्लस थ्री प्लस सी। तो ऐसे हम क्या करते हैं, यदि देखो क्या है आपको क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट याद है तो ऐसा नहीं है कि इंटीग्रेशन टफ है, आपको केवल क्या करना है स्टैंडर्ड रिजल्ट याद होना चाहिए या कुछ सिंप्लीफिकेशन करके आपको क्या करना चाहिए जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है या जो रिलेशन दिया हुआ है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। बहुत जगह आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बहुत जगह आप देखेंगे क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल अभी दूंगा तो आपको मालूम चले कि अरे स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, लेकिन आपका काम क्या है कि उस फॉर्म में उसको लाना। यदि उस फॉर्म में आप नहीं ला रहे हैं तो फिर क्या होगा, आंसर क्या होगा, रॉन्ग है। जैसे आप एक होमवर्क लिख लीजिए, इसको ट्राई कीजिएगा, देखिए क्या है, ये होमवर्क लिख लीजिए, है ना, क्या दिया हुआ है होमवर्क में, क्या दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स क्या है, एक्स इंटू क्या है, एक्स प्लस वन, है ना, क्या है। अब इसको देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, आप थोड़ा दिमाग यूज करेंगे, आपको क्या करना है इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए, कि हम जानते हैं कि वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स होता है, तो वन अपॉन ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रेशन क्या होता है, एल एन एक्स। तो पहले आप उसको सिंप्लीफाई करो, आप कोशिश करो इसको किस फॉर्म में लाने के लिए, ए प्लस बी के फॉर्म में लाने के लिए, आई मीन ए एक्स प्लस बी इस फॉर्म में लाने के लिए, इस फॉर्म में लाने के लिए। और फिर आप क्या करो, अलग अलग क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, क्या करोगे, ए डी एक्स प्लस क्या होगा बी डी एक्स, तो आसानी से क्या होगा इंटीग्रेशन। तो यहाँ ए और बी को इसको इस फॉर्म में लाओ, आप सोचना थोड़ा सा आएगा इसको, बाद में आप इसको ट्राई करना, नहीं तो मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको कि इसको हम कैसे सोचते हैं, ठीक है, क्या होगा, हम इसको कैसे सोचते हैं ये आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी दिया हुआ हो, दूसरा एग्जांपल भी लिख लो आप, है ना, क्या दिया हुआ है कि दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। अब यहाँ भी देखना ध्यान से, इसमें भी ऐसे नहीं है कि ये स्टैंडर्ड रिजल्ट दिया हुआ है, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट मालूम है आपका, आपको उसके फॉर्म में लाना है और फिर क्या करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। तो आप ट्राई करना सॉल्व करके, मुझे व्हाट्सअप करना, नहीं आएगा तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन करके सेंड करूंगा, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, तो कभी कभी क्या है इंटीग्रेशन में चीजें क्या है डायरेक्ट नहीं दिया रहता है, ऐसे भी हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आईआईटी में ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट, हाँ जेई मेंस के लिए तो डायरेक्ट चीजें आपको मिलेगा, लेकिन जब आप जेई एडवांस देते हो तो वहाँ डायरेक्ट रिजल्ट नहीं होता है, वहाँ थोड़ा सा आपको सोचना होता है, वहाँ माइंड यूज करना होता है, और आप जितना ही क्वेश्चन को सोचोगे उतना ही क्या होगा आपका जो माइंड है वो क्या होगा, फास्ट होगा, क्योंकि ये इतना क्या होगा, इसका यूज हम जितना ही करेंगे उतना ही क्या होगा, ये शार्प होगा। यदि आप इसका यूज करना छोड़ दोगे तो ऐसे नहीं है कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो, सभी लोग इंटेलिजेंट होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप अपने माइंड का कितना परसेंट पार्ट यूज, आई मीन कितना परसेंट यूज कर रहे हैं। यदि जितना ज़्यादा इसको क्या करोगे, प्रेशराइज करोगे, आई मीन इस पर ज़्यादा सोचोगे उतना ही क्या होगा, ये फास्ट चलने लगेगा, और आप सोचना छोड़ दोगे, आप रटना शुरू कर दोगे तो ये क्या होगा, ये काम करना बंद कर देगा, आज रटोगे और कल क्या हो जाएगा, भूल जाओगे। तो कोशिश करो सोचना, क्वेश्चन एक बार दिया हुआ है, प्रॉब्लम को हम कैसे अप्रोच करते हैं कि जब भी आपके सामने प्रॉब्लम है तो पहला आपका काम क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम को अच्छे से रीड करना। जब देखना आप अच्छे से रीड करते हो तो बहुत सारी चीज़ें जो है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड क्या है, माइंड में आ जाती है। कभी कभी हम क्या करते हैं कि जैसे ही अपने को प्रॉब्लम मिलता है हम सोचते हैं कि अरे मुझे फास्ट आंसर लाना है, फास्ट आंसर लाना जरूरी होता है, ऐसा नहीं है कि फास्ट आंसर लाने के वजह हम क्या करें कि आंसर ही गलत ला दें, है ना, तो कोई फायदा ना हुआ। क्यों? क्योंकि जब हम क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ते हैं तो मुझे क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, तो लिखना क्या है कुछ और कैलकुलेट हम कुछ और कर देते हैं, जो क्या है ऑप्शन में भी दिया रहेगा, फोर ऑप्शन होगा उसमें वो भी रहेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है वो जो क्वेश्चन सेट करता है उसको ये मालूम है कि बच्चे कहाँ कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं, और वही वो ऑप्शन उसमें आपको मिलेगा। तो आपको ये सोचना है कि जब भी क्या है कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने हो तो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, फिर उससे रिलेटेड क्या चीज़ हमने पढ़ा है उसको कोशिश करेंगे यूज करना, और जब आप कोशिश करोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, चीज़ें आपको समझ में आएगी और प्रॉब्लम भी आपसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो अगला हम क्या देखेंगे, इसमें अगला जो टाइप है वो हम इसमें क्या देखेंगे,
हमने क्या देखा कि एलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद एक्सपोनेंशियल दिया हुआ है, उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद क्या है, लॉगरिथमिक दिया हुआ है, यदि आई मीन 1/x है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, या 1/x + b के फॉर्म में है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिकल जो रिलेशन है उसका इंटीग्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखो पहला क्या है, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos x + क्या होगा c, ठीक है, क्या होगा -cos x + c, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट होगा, इसमें अगला टाइप क्या है देखो ध्यान से, साइन ऑफ क्या होगा ax dx, तो ये अगेन क्या होगा, साइन का क्या होगा -cos, तो क्या लिखेंगे -cos ax + c। क्या करना है मुझे, x के कोएफिशिएंट से हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। थर्ड जो इसमें पार्ट है, वो थर्ड जो टाइप है, वो क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ ax + क्या होगा b, ठीक है, साइन ऑफ ax + b का इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करना है, x के, dx का मतलब क्या हुआ यहाँ, x के रिस्पेक्ट में मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो साइन का क्या लिखेंगे, अगेन -cos ax + b + क्या होगा c, डिवाइडेड बाई क्या होगा, अगेन दूसरा। इसमें एक अगला टाइप क्या होगा कि ये भी होगा, देखो ध्यान से, कि साइन है ना स्क्वायर क्या है, ax + क्या हो जाएगा, bdx। अब देखो क्या दिया हुआ है, साइन का पावर यदि 1 हो तो हम आसानी से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब ऐसा आप मत सोचना कि साइन का पावर 2 है तो यहां पावर वाला फॉर्मूला यूज कर दे, नहीं, फिर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो यहां क्या है, साइन का पावर क्या दिया हुआ है, लीनियर दिया, चलो इसको इसके बाद हम सॉल्व करते हैं, पहले कॉस का कैलकुलेट कर लें क्योंकि कॉस की जरूरत होगी। अब इस पे हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल देख देंगे, तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, माइंड में रखना है ना साइन के लिए। तो अब देखो एग्जांपल इस पे हम देखेंगे, एग्जांपल क्या दिया हुआ है कि साइन ऑफ क्या है, x/2 + 1 dx। अब अगेन क्या करेंगे, पहले साइन का फॉर्मूला क्या होगा, -cos x/2 + क्या होगा 1 + c। अब x का कोएफिशिएंट क्या है, 1/2 है, तो 1/2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखो, क्या दिया हुआ है कि साइन ऑफ x + 1 dx, जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, साइन का क्या होगा, -cos x + 1 + क्या होगा c। अब यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो हम क्या करेंगे, 1 को नहीं लिखेंगे। याद रखना, हम यदि लिमिट नहीं दिया हो, आई मीन लोअर लिमिट अपर लिमिट नहीं दिया रहता है, तभी हम क्या करते हैं, c ऐड करते हैं, ठीक है। c आपको रटने की जरूरत नहीं है, केवल यदि यहाँ कुछ लिमिट नहीं दिया हो, नीचे कुछ वैल्यू नहीं दिया हो, तो c हम अपने से ऐड कर देते हैं। केवल आपको याद रखना है कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos होगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos होगा, क्या होगा, साइन ax + b का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos ax + b डिवाइडेड बाई क्या होगा, a होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये चीज माइंड में रखना है, c रटने की जरूरत नहीं है, c तो आपको अपने से ऐड करेंगे, बाद में हम देखेंगे कि नहीं, कुछ जगह हम c ऐड भी नहीं कर रहे। अब क्या होगा, साइन ऑफ 2x dx, तो अगेन साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, -cos 2x डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2 + क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्या होगा, cos का इंटीग्रेशन देखो, cos x dx। अब cos का क्या होगा, sin होगा, sin ax + क्या हो जाएगा, c। इसमें अगला जो पॉइंट देखोगे क्या होगा, यही हो सकता है, cos ax dx, तो क्या लिखेंगे, साइन ऑफ ax
अपॉन क्या लिखेंगे, ए प्लस क्या लिखेंगे, सी। तीसरा जो टाइप होगा इसमें क्या होगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या होगा, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी अपॉन क्या होगा, ए प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। तो कॉस का भी जिस तरह हमने साइन का क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, कॉस का क्या होगा, साइन। कॉस में हम साइन, हम कॉस में माइनस यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, आई मीन कॉस क्या होगा, एक्स प्लस वन डी एक्स, तो कॉस का क्या होगा, साइन। तो हम क्या लिखेंगे, साइन एक्स प्लस वन प्लस क्या होगा, सी। उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखो क्या होगा, कॉस ऑफ टू एक्स प्लस क्या होगा, थ्री डी एक्स, तो कॉस का क्या होगा, अगेन साइन टू एक्स प्लस थ्री प्लस सी बाई क्या होता, कितना हो जाएगा, टू। हमेशा x के कोएफिशिएंट से क्या करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज करना है, x के कोएफिशिएंट से हमेशा क्या करना है, डिवाइड करना है, क्या करना है अपने को, डिवाइड करना है, x के कोएफिशिएंट से हमेशा क्या करना है अपने को, डिवाइड करना। जब भी आप x डिवाइड करना भूल जाओगे x के कोएफिशिएंट से, तो आंसर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना है स्टैंडर्ड रिजल्ट डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, स्टैंडर्ड रिजल्ट डिवाइडेड बाई कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा, अब देखो साइन और कॉस का, अब आपसे पूछा जाएगा साइन स्क्वायर का रिजल्ट क्या होगा, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। अब हम इस रिजल्ट को यूज करके, है ना, जिसे एग्जांपल के लिए दिया है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, फॉलोइंग, है ना। तो दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, दूसरा क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए एक्स क्या दिया हुआ है, प्लस बी डी एक्स, ठीक है। उसी तरह क्या दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर क्या दिया हुआ है यहाँ, कॉस स्क्वायर, है ना, कॉस स्क्वायर ए एक्स प्लस क्या दिया हुआ है, बी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, फिजिक्स में मोस्टली जगह क्या है, इसका यूज होता है ना। अब मुझे क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन, अब देखो मैंने जो बताया था कि साइन और कॉस का जो इंटीग्रेशन, ये क्या है, यहाँ क्या ध्यान देना है कि पावर क्या होगा, वन होगा, आई मीन लीनियर पावर क्या होना चाहिए, लीनियर पावर होना, आई मीन पावर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, कॉस का साइन लिख सकते हैं, साइन का क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस लिख सकते हैं। यदि पावर क्या होगा, लीनियर नहीं होगा, तो हम उस रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रिलेशन हम क्या करेंगे, इसको लीनियर पावर में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ, देखो मैंने पढ़ाया भी था कि कैसे, देखो तो जैसे मैंने बताया था कि कॉस क्या होगा, कॉस टू थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, आई मीन एक्स लिख देता हूँ यहाँ, कॉस टू एक्स इक्वल टू क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ ध्यान से, साइन या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा, 1। बस यही आपको क्या करना है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos 2x अपॉन क्या होगा, 2, ठीक है। उसी तरह लिख सकते हैं cos स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस cos 2x by क्या लिख सकते हैं, 2। ये आपको क्या करना है, माइंड में रखना है, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ। यदि आपको ये रिजल्ट आता है तो फिर ये इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, देखो क्या बताया था, आई इसको कंसीडर कर रहा हूँ, आई इक्वल टू मैंने क्या, साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखो 1 माइनस कॉस 2x बाई क्या लिख सकते हैं, 2। तो हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2x बाई क्या होगा, 2, क्या लिखेंगे, डी एक्स, है ना।
इसको 1 बाई टू कॉन्स्टेंट है बाहर लिख दो, तो क्या लिखोगे, डी एक्स माइनस कॉस 2x dx, ठीक है। अब यहां कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं, x रेस टू जीरो लिख सकते हो ना, x रेस टू जीरो का वैल्यू क्या होता है 1, और पावर फॉर्मूला यूज करते हो 1 बाई टू, यहां क्या लिखेंगे x रेस टू जीरो, तो x रेस टू जीरो प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा 1 माइनस cos 2x का भी क्या बताया था sin 2x डिवाइडेड बाई क्या होगा 2 प्लस क्या हो जाएगा c, तो ये क्या लिखेंगे यहां x बाई टू माइनस साइन क्या होगा 2x बाई क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या हो गया c, यही किसका इंटीग्रेशन आई मीन i का वैल्यू हो गया, ठीक है। उसी तरह आप क्या करना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी का खुद से सॉल्व कर लेना, कॉस स्क्वायर एक्स का मैं आपको बता देता हूं। उसी तरह क्या लिखेंगे, देखो अगेन अगला जो है क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ, इसको भी हमने आई वन मान लिया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हम क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, देखो यहां लिखा हूं 1 प्लस कॉस 2x बाई क्या लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे 2, तो 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, डायरेक्ट मैं रिजल्ट लिख देता हूं और आप लोग क्या करना घर पे इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा i1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई टू डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा 1 बाई टू कॉस 2x dx, जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा x बाई टू प्लस 1 बाई फोर साइन कितना हुआ 2x प्लस क्या हुआ c हो गया, ठीक है। रिमेनिंग जो क्वेश्चन है क्या करना उसको आप घर पे सॉल्व कर लेना, ठीक है, ओके, थैंक यू।